आप सब बड़े अपना टाइम याद कीजिए कि चाहे जितना मर्जी खराब वेदर होता था या फिर रनिंग नोजेस होते थे, शाम को खेलने से आपको कोई नहीं रोक सकता था, है ना? बट सैडली ये सब काफी हद तक पास्ट ही बनकर रह गया है। आज के टाइम में जहां बच्चे बहुत टेक सैवी हैं, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है उन्हें टीवी, कंप्यूटर्स और वीडियो गेम से दूर करने का। याद रखिए, ये जितनी भी स्मार्टफोन्स की एप्लीकेशंस है ना, इन सब ने बच्चों को अकेला करके रखा हुआ है। घर पर गैजेट्स के साथ खेलते खेलते उनकी तो यही एक दुनिया सी बन चुकी है। किसी भी पोस्ट पर बस लाइक्स और कमेंट्स ही उनके लिए सब कुछ बन चुका है, जबकि ये सब सच नहीं है। जरूरत है उन्हें ऐसी फेक लाइफ जीने से रोकने की और ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की। पेरेंट्स भी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो चुके हैं आजकल अपने बच्चों के लिए। उनके अपने कंसर्न्स भी गलत नहीं हैं। कभी घर के पास पार्क नहीं होता तो कभी सेफ्टी इश्यूज के कारण वो डरते हैं। बट एक बच्चा क्या चाहता है, उसके दिल की आवाज सुनिए जो कहती है कि मुझे बाहर निकलने दो और खेलने दो खुली हवा में। आप खुद ही सोचिए ना कि इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उनकी एनर्जी को सही से चैनलाइज करने का। जब बच्चे बाहर दौड़ लगाते हैं ना, उनके ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे दिमाग की नसें भी खुलती हैं। और फिर जब हम खूब दौड़ते और एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, जो हमारे मूड को बहुत अच्छा रखता है। फिर हमारे अंदर किसी भी हालात से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और फिर हम लाइफ में इजीली हार नहीं मानते, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो। साथ ही बाहर खेलने से बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और उसमें स्टेमिना बिल्डअप होगा। वो खूब एक्टिव बनेगा, जो उसे लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, क्योंकि आज के टाइम में ओबेसिटी मतलब ओवरवेट होना एक मेजर कंसर्न बन चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ खूब फिजिकल एक्टिविटीज और कैलोरीज बर्न करके ही डील किया जा सकता है। और जब बच्चे धूप में खेलते हैं ना, तो सनलाइट के एक्सपोजर से सिर्फ बोन्स एंड मसल्स ही स्ट्रांग नहीं होती, उनके बाकी हेल्थ इश्यूज भी दूर रहते हैं। जो बच्चे सिर्फ घर के अंदर ही बैठ के खेलते हैं ना, उन्हें टीम प्ले और ग्रुप वर्क की वैल्यूज भी समझ नहीं आती, बट बाहर खेलकर वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं। और फिर हर कोई ऐसे बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है जिसके खूब दोस्त हों। आप इंडोर गेम्स भी खेलिए, बट वो वाली जिससे कि आईक्यू लेवल स्ट्रांग हो, बट प्लीज ये गेम्स मोबाइल्स पर ना खेलें। एंड डू यू नो फ्रेंड्स, कि कितना ज्यादा जरूरी है बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करना। सिर्फ अंदर रहना और नेचर से दूर रहना बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए। इसे नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब जब बच्चे नेचुरल वर्ल्ड में नहीं खेलते, तो वो नेचर के सारे बेनिफिट्स को मिस कर जाते हैं। नेचर के क्लोज रहने से तो हमारा सारा गुस्सा, फियर और हर तरह का स्ट्रेस दूर हो जाता है और हमारा मूड और हमारी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव रहती हैं। इस नेचर में तो इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारी सारी फाइव सेंसेस को रिलैक्स कर देती हैं। इसलिए उनसे गार्डनिंग, प्लांटिंग ट्रीज, वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, फ्लावर एग्जिबिशंस जैसी एक्टिविटीज का पार्ट बनाएं। और जिस दिन उन्हें इस प्रकृति की कदर हो गई ना, वो खुद इसे बचाना चाहेंगे जो हमें आज तक बचाती आई है। तो छुट्टियों में ले जाइए उन्हें बीच पर और खेलने दीजिए रेत से और बनाने दीजिए रेत के महल। हाइकिंग एंड कैंपिंग कीजिए और उन्हें एडवेंचरस बनाइए, क्योंकि बच्चों को कभी भी अपना बेस्ट डे ऑफ टीवी याद नहीं रहता, हाँ बट उन्हें अपना फन और एडवेंचर डे हमेशा याद रहता है। सो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप सब अपने बच्चों को नेचर से जोड़िए, गैजेट से नहीं। अगर आपका बच्चों से रिलेटेड कोई कंसर्न है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू।